गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। देखिए हम अपना टॉपिक है प्रेजेंट बेनिफिट, ये पार्ट कौन सा होगा? फाइव होगा, ये पार्ट फाइव रहेगा। अब देखिए इंटरोगेटिव नंबर वन के रूल को हम आपको बताते हैं, डू ओब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अपॉन नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान इधर, प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए क्या तुम मुझे जानते हो? क्या नगमा भुना हुआ मुर्गा खाती है? क्या सचिन सेब नहीं खाता है? क्या वे लोग यहां नहीं रहते हैं? देखिए मैं इन सेंटेंसेस को कुछ थीम के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूं, थोड़ा सरल, कुछ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या तुमने कभी करौंदे यानी कि ककरौंदे ऐसे लिखते हैं भाई, हाँ करौंदे या ककरौंदे, क्या तुमने कभी ककरौंदे नहीं खाए हैं? क्या मोहित ने कभी अंडे नहीं, क्या तुम कभी ककरौंदे नहीं खाते हो? ये लिखो बेटा, वो सेंटेंस बदल जाएगा ना, खाते हो। क्या मोहित कभी अंडे नहीं खाता है? खाता है, बस फिनिश। देखिए कुछ मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर कुछ समझाना है। अगर वाक्य में देखो, आपको मैंने पहले भी बताया था, यदि किसी वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगा होता है तो हम उसके लिए क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उस वाक्य की सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एक वचन है बहुवचन है, उसके हिसाब से लगा देते हैं। वैसे ही यहां डू डज में करेंगे। तो अगर डू डज आया, ध्यान दो, डू डज आया तो यानी कि आपको क्या करना है, एक वचन के लिए तो आपको डज लगा देना है और बहुवचन के लिए दोस्तों डू लगा देना है। लेकिन यदि वाक्य के शुरू में, ध्यान दो इधर, वाक्य के शुरू में डू या डज का प्रयोग हो जाता है तो चाहे वाक्य में नहीं आए या कभी नहीं, हम हमेशा वर्ब फर्स्ट का ही प्रयोग करते हैं। देखिए अगर एक वचन हो, बहुवचन हो, या नॉट नेवर कुछ भी आए या ना आए,
नॉट आए या नेवर। अभी हमने आपको बताया कि देखो साहब अगर नेवर आएगा तो हमें वर्ब में एसीएस लगाना पड़ेगा यदि सब्जेक्ट एकवचन होगा तो, लेकिन इंटरोगेटिव में ये रूल नहीं लगेगा। इंटरोगेटिव के लिए नहीं है ये, क्योंकि इंटरोगेटिव में तो डूडज ऑलरेडी आ गया सर जी, डूडज ऑलरेडी आ गया। देखिए कोचिंग में आपने फीस रिसेप्शनिस्ट को जमा कर दी, तो क्या जो कोचिंग में क्लास में पढ़ाने वाला टीचर है उसको फीस जमा करोगे? अगर उसको जमा नहीं किए वहाँ, छोटी मोटी हमारी सी कोचिंग है, तो आप क्या करोगे? हमको ही 200-200 रुपये, 100 रुपये महीने जॉब देते हो, वो आप हमें हम ही को दोगे डायरेक्टली? ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर आपने यहाँ डूडज लगा दिया है तो यानी कि सब्जेक्ट को सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया है, तो यहाँ पे चाहे नॉट आए चाहे नेवर आए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखिए अभी बहुत कुछ सिखाना है, आप बस बने रहिएगा, बस ये मत सोचो कितना लेंदी हो रहा है, लेंदी नहीं हो रहा, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर दुनिया में सबसे सरल कोई चीज है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बच्चे लोग क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट? इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इस दुनिया में तुम ही तुम बचोगे बस, और कोई बचेगा ही नहीं। देखो क्या तुम मुझे जानते हो तो डू यू नो मी, क्या नगमा बना हुआ मुर्गा खाती है? तो अब यहां पे क्या जाएगा, डज नगमा ईट रोस्टेड, और देखो चिकन। देखिए जब तक मुर्गा गली में घूम रहा है कुकुड़कू करता हुआ, तब तक तो बेदू उसकी मीनिंग होती है सीओसी के कॉक, कॉक माने मुर्गा, लेकिन जब वो कटोरी में आ जाता है तो क्या मीनिंग बन जाती है उसकी, चिकन। क्या मीनिंग बन जाती है, चिकन। बकरे की मीनिंग क्या होती है, ही गॉट। जब तक वो गली में मे कर रहा तब तक तो ही गॉट है, और वैसे ही कटोरे में आ जाए भगोने में आ जाए तो समझ लो क्या हो गया, वो मटन। क्लियर हो गया? वैसे ही आगे छोड़ो यार, पीआईजी पिग, पिग माने सुगर, तो पीआईजी पिग है जब तक वो नाले में घुड़ घुड़ मचा रहे हैं, लेकिन वो तुरंत भगोने में आ गए तो वो बन जाता है पोर्क, पी ओ आर के। लिखा हूँ आगे और चीज़ें, तो जरा बने रहिए ऐसी बातों को जानने के लिए, मतलब ऐसी बातों का नहीं, मतलब मीनिंग जानने के लिए। आपको मीनिंग तो पता होनी चाहिए, होनी चाहिए ऐसी। तुमको कोई कह दे कि हाँ तुषार डू यू वांट टू ईट पोर्क, तुषार कहेगा यस आई वांट, और भाई साहब बेहतरीन मसालों में उसको करके ले आए, फिर तुषार क्या होगा बताइए हैं? अरे इंग्लिश पढ़ना क्यों जरूरी है? आजकल बहुत सारे पैक्ड फूड आते हैं, उनमें चिकन मटन बीफ लिखा रहता है, सिग्नल होते हैं ग्रीन पर्पल रेड ग्रीन, तो वो सब चीज़ों को हमें मालूम होना चाहिए, होना चाहिए सर। तो देखिए वर्ब में, देखो यहाँ पर भुना हुआ, यदि किसी वर्ब के अंत में हुआ हुई होकर आदि शब्द लगे रहते हैं तो हम उस वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब राहुल कहेगा सर ये तो गलत है, तुम तो वास्तव में गलत ही पढ़ा रहे हो, सही कह रहे थे लोग तुम्हारे बारे में हैं। देखो रोस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसने बता दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है? एक बात बता दूं राहुल, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, लेकिन यहां पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब एक काम पहले का हुआ पड़ा है और दूसरा अब हो रहा है, तो मुर्गा खाने ना खाने का काम नगमा अब कर रही है, लेकिन वो रोस्ट तो पहले ही हो चुका है। क्लियर हो गया? तो इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे सेंटेंस फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो, कॉन्टिन्यूस में हो, परफेक्ट में हो, किसी में भी हो, अगर वहां पर किसी वर्ब के अंत में हुआ हुई होकर आदि शब्द लगे रहते हैं तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों बहनों आपको वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। अभी देख रहा है ये वीडियो ज्यादा लेंदी तो नहीं हुई, बता दे मुझे कितनी मिनट की, मैं इतनी ही पहुंच कर लूंगा। अच्छा अभी कर सकता हूँ, आई बहुत परेशान करता है तू राहुल। क्या सचिन सेब नहीं खाता है? देखो डज हम वैसे यहाँ कुछ और लिखने वाले थे लेकिन लिखा नहीं सचिन, फिर क्यों कहेगा हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। सचिन डज नॉट ईट एप्पल, सर एप्पल की एप्पल सर बहुत सेंटेंस ट्रेंडिंग में चलता है, राम सेब खाता है, राम ईट्स एन एप्पल, सब्जेक्ट क्या है इसमें? मास्टर जी चिल्ला चिल्ला के बताएंगे सब्जेक्ट राम है, ये बात बच्चे को भी पता कि सब्जेक्ट राम है, कहेंगे वर्ब इसमें खाना है, ईट वर्ब है और ऑब्जेक्ट पता है क्या है, सेब सेब।
अब उनसे पूछा जाए कुछ और तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। राहुल मैं पूछूं, अच्छा राहुल एक सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, उसमें तुम्हें सब्जेक्ट डालना है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? राहुल इसमें सब्जेक्ट क्या है? राहुल आई एम आस्किंग टू यू प्लीज, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट वीडियो में भी तू बता सकता है, अभी सोच ले, नेक्स्ट वीडियो में बता देना, अभी गूगल करेगा बंदा, गूगल करेगा अभी। इसमें सब्जेक्ट, अब देखो सेंटेंस क्या होता है, हमारे मुंह से निकली हुई, ध्यान दो पहले, हमारे मुंह से निकली हुई जो शब्दों का समूह है, जो एक सेंस बना रहा है, जो एक सेंस निश्चित अर्थ दे रहा है, वही क्या है, उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। भाई सेंटेंस तो कुछ भी हो सकता है सर जी। देखिए खैर एनीवेज आते हैं अपने टॉपिक पर लौटते हैं। तो डू दोज पीपल नॉट लिव हियर, क्या तुम कभी ककरौंदे नहीं खाते हो? तो डू यू नेवर ईट क्रैनबेरी, क्रैनबेरी या इसको लिखेंगे गूजबेरी, क्या मोहित कभी अंडे नहीं खाता है? तो डज मोहित नेवर, अब देखो यहां इधर ध्यान दो, हम यही बात समझा रहे थे तुम्हें भाई, ये नेवर चमक तो रहा है ना, चलो हम दोबारा बना देते मिटा के बच्चों के लिए, क्या इतना तुम कर ही सकते हैं नेवर। अब देखो हम यहां यही कह रहे थे, यहां ईट्स मत कर देना, गलत हो जाएगा सर जी, क्या आएगा? अब तो यहां डूडज आ ही गया ना, और जब वाक्य में डूडज का प्रयोग हो जाता है, चाहे नॉट आए चाहे नेवर आए या कुछ भी हो, हमें तो क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और एक की मीनिंग क्या होती है, एक्स लगा देंगे, चलो एक लगाओ, एक चलिए। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको आई होप समझ में आया होगा, थोड़ी सी बातें हैं मैं करना चाहता हूं अभी, राहुल कर सकता हूं इस वीडियो में भी तो है गुंजाइश या नहीं है, कर लूं भाई? राहुल कह रहा कर लेता हूं। ओहो एक तो मैंने देखो कितनी बड़ी गलती कर देता हूं मैं, देखिए भाई बच्चों लोग माफ कर देना मुझे, सच्ची बता रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा रूल के बाद, भूल जाता हूं मैं। देखिए अगर हम इंट्रोगेटिव नंबर टू की बात करें, तो सर जी इंट्रोगेटिव नंबर टू की, तो तुम क्या हमको समझो, हम यहां पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, तुम क्या खाते हो, तुम अपना सामान कहां बेचते हो, तो ये इंट्रोगेटिव नंबर टू हो जाएगा। देखिए तो अब यहां पे ये बीच में आ रहा है, देखो ये हिंदुस्तानी लोगों की आदत है, अगर साइड में आके दो लोगों में लड़ाई होगी, साइड में आके कोई छुड़ाता है तो चल भाई तू अलग हट जा, लेकिन बीच में आता है तो पहले उसी को पकड़, तू आ बेटा पहले हम तुझे देखते हैं, तो सबसे पहले ये बीच में आ रहा है तुम वोट लगाएंगे। डू यू ईट, खत्म कहानी, तुम कहा, तो वेयर डू यू सेल योर, और देखो गुड, गुड माने क्या होता है, अच्छा इसमें एस लगा दो बस, गुड्स माने क्या हो जाएगा, सामान, ये तो राहुल को पता है क्योंकि अकाउंट का स्टूडेंट है राहुल, गुड्स। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, तो अगर बच्चे लोग आपने नहीं उतारा है तो इसका देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और देखो आपने ले लिया होगा। अब देखिए एक नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे मिलता हूँ, 5 पार्ट हुए हैं, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए कुछ मसालेदार चटपटी चीजें लेके आता हूँ, उसका जरूर वेट करें। तो थैंक यू क्लास, बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ओके बाय।